गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर का धन्यवाद करते हाँ कि खुदा ने फिर अज सू एक नवा दिन दिता, और मैं धन्यवाद करता अपने जीवित परमेश्वर का और वो जीवित हजूरी के वास्ते धन्यवाद करते हाँ। बड़े लोगों जीजो बड़े लोग जो अज का दिन नहीं वेख सके, असी उन्होंने लोगों तो चंगे नहीं हाँ, और परमेश्वर का थैंक्स करते हाँ और वह धन्यवाद करते जिन्हें सानू अज फिर एक नवी सुबह दी आ खुदा की हजूरी च रहने वास्ते। और मैं धन्यवाद करता अपने ब्रदर एंड सिस्टर का जिन्हें लोग लगातार इस वीडियो में देख रहे और प्यार दे रहे हो कमेंट के द्वारा लाइक के द्वारा मेरी जी जो वीडियो शेयर कराया करो। वेखो मैं कल भी हर दिन ताे अगर बेनती करता कि ताकि वीडियो के द्वारा तुम बहुत सारे लोगों को बचा सकते जे, क्योंकि देखो थोड़ी भी सेवा वा। तुम वीडियो शेयर करो अगे तो अगे चैनल में सबसक्राइब करो, व्यूज बढ़ाओ। और देखो मैं कल भी बोला कि आप इस चैनल तो पैसा नहीं कमाते, कोई मोनोटाइज नहीं, असी सिर्फ प्रभु की सेवा करनी है। और साड़ी ये कोशिश है कि सारे भैन भरा बाइबल नूं पढ़न, क्योंकि अच्छ बड़े भैन भरा जो भटक रहे हैं क्योंकि बिना वचन दे ना समझ होने करके आज जो प्रॉब्लम दे विच आ। तो असी प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वह महान आ, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर आ, वो साडे दुखां नूं जानदा, सानूं फ्री करना चाहुंदा। और मेरे अजीजो इस वीडियो नूं लगातार देखो और कमेंट लाइक और शेयर करना बंद नहीं करना। तुसी लगातार टाइम कढ़ के ये वीडियो देखनी, वेखो मैं छोटी शॉर्ट कमाउना पर वेखो जिहड़े वड्डे सरमन जिदा बुधवार च पैंदा वा जिस तरह संडे च पैंदा वह भी देखना मेरे जीजो, क्योंकि वेखो तुसी बाइबल दे नाल बने रहोगे, तुहाडे अंदर एक डर रहेगा और डर दे नाल तुसी पाप तों बचे रहोगे और परमेश्वर की ग्लोरी उहदी महिमा में बने रहोगे। खुदा तुहानूं बहुत सारा ब्लैस करेगा, क्योंकि बाइबल च लिखा प्रभु विच कीती मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि तुसी वचन देखोगे, वचन नूं फॉलो करोगे और तुहाडी जिंदगी च बंधवाइयां, ताड़े 20 साल के काम आ, बीमारियां, डिप्रैशन है टुटेगा, क्योंकि प्रभु के नाल समा स्पेंड करोगे। और शुरुआत तो पहले एक छोटी प्रेयर करा, फिर आप प्रभु के वचन में शेयर करा जो अज्ज का अपना टॉपिक आ कि जो मैं मैथ्यू के अज्ज वेखन जा रहे हैं कि असी जगत के लून है। लून का मतलब साडा करैक्टर और चानन, वो भी साडा करैक्टर आ, असी चानन और लून के बारे देख जा रहे हैं। और सब जन प्रेयर करा, प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते, तारीफ करते पवित्र आत्मा अज के वचन के द्वारा परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद करते हैं जो प्रभु की समा साडे जीवन दे विच लै के, और जिन्हें भी भैन भरा अज इस वचन नूं सुन प्रभु सेम ना रहन प्रभु, हर रोज़ परमेश्वर तुहाडे बच्चे इस वचन नूं सुन और ब्लैसड होण प्रभु तेरे नाम दे विच, और तुहाडी महिमा आकाशां उपर। जिन्नियां भी डिलीवरी दी आत्मा, रोकण वाली आत्मा, चर्च चों रोकण वाली आत्मा, प्रेयर तों रोकण वाली आत्मा, फास्टिंग नूं रोकण वाली आत्मा, मत्ती 18:18 च बज जाण, हर तरह के ऑर्गन चंगे हो जाने यीशु तेरे नाम च, हर मेंटली अटैक दियां आत्मा मत्ती 18:18 च बज जाण, हर डिप्रेशन दियां आत्मा मत्ती 18:18 में बज जाण। सारी महिमा सारा आदर तुहानू देने पवित्र आत्मा जी, अज दे वचन दे द्वारा तुसी साडे नाल गल करन जा रहे प्रभु, इस सब नू सुपर ब्लैस करो अज दे वचन दे द्वारा। मेरा फेथ आ, मेरा बिलीव आ कि जो अज वचन सुन के सेम नहीं रहनगे, हर दिन प्रभु जो नवी नवी वीडियो अपलोड हो रही है और शैतान शर्मिंदा भी यीशु तेरे सामर्थी नाम दे विच, आमीन आमीन आमीन। तो मंगदे परमेश्वर दे सामर्थी नाम दे विच। और मेरे जीजो विरोधी शर्मिंदा वे, जे तुसी लगातार बाइबल नूं पढ़ रहे, जे तुसी फास्टिंग प्रेयर कर रहे, जे फोकस नहीं गवाया, तो मैं कहा तुहाडी गवाही सुपर ब्लैसड है। देखो जीजो गवाहियां बनाउणियां तुहाडे काम आ, तुहाडे हाथ च आ, क्योंकि जो तुसी लगातार परमेश्वर दे वचन नूं पढ़ोगे, प्रेयर ते जाओगे, मिड नाइट प्रेयर करोगे, अपने मन की नहीं मनोगे, तो मैं कहा एक्सीलेंट उत्तर तुहाडे आ चुके ने, आने नहीं आ चुके ने, क्योंकि गॉड टाइम इज़ द बेस्ट टाइम उडीक करना। मैं हर रोज़ कहना कि जिहड़ा बंदा धीरज दे नाल प्रभु दे नाल चल रहा सबर दे नाल, एक दिन जरूर कामयाब होएगा, काली नहीं पैना मेरे जीजो। ये नहीं वेखना कि असी जा रहे हैं प्रभु कर क्यों नहीं रहा, क्योंकि प्रभु कर रहा वा। जो तुहानू लगता ना प्रभु नहीं कर रहा, उदो समझ लो कि खुदा कर रहा वा, यह सब तो वड्डी प्लान है। तो जो तुहाडे जिंदगी च दुख आउंदे ना, तो समझ लो प्रभु तुहानू को बेस्ट देने वास्ते जा रहा। उस टाइम ते दुखां च भी प्रभु की प्रार्थना नूं बंद नहीं करना, चर्च नूं बंद नहीं करना, बीज देना बंद नहीं करना, बाइबल पढ़नी बंद नहीं करनी, क्योंकि शैतान तुहानू वक्ख वक्ख परीक्षावां च पाएगा। तुहानू लगेगा कि दुख है मेरे उपर, पर तुहानू पता खुदा उस दुख तो बाद एक बेस्ट प्लैन तुहाडी जिंदगी च करन जा रहा। वो काम जो रुके आ, वो कुछ भी हो सकता, वो हो रहा वा, आमीन। तो गॉड ब्लैस यू, प्रभु तुहानू ब्लैस करे। आप शुरू करांगे खुदा दे वचनां नूं, बड़े ध्यान दे के अज आप मैथ्यू नूं पढ़न जा रहे कि खुद प्रभु यीशु दे वेखो अपने चेलियां नूं की सिखाया। अज देखो जीजो जो आप बपटाइज होंदे हां तां आप प्रभु परमेश्वर दे चेले बनते हैं,
अज का जोड़ा टॉपिक है साडा करैक्टर आ मतलब चरित्र आ साढ़े चाल चलन आ देखा गया कि मत्ती दी अंजील विचों जो मत्ती आप बाब की ती रहत तो शुरू करते हैं वह टॉपिक है लूण अते चानण। लूण अते चानण हुण लूण कौन आ वह भी असी हाँ। मान लो कलीसिया वा पास्टर आ वलेंटियरस आ कवैर आ असी लूण आ। लूण का मतलब कि दूसरे बंदे की जिंदगी नूं टेस्ट कर देना। अज देखो जी जो लोगों ने तुहाडा करैक्टर वेख के चर्च में आना वा। मैं हर रोज़ कहना कि लोगों ने बाइबल नूं नहीं पढ़ना लोगों ने तुहानूं पढ़ना वा कि तुसीं 14 साल च मसीह दे विच जे तुसीं 15 साल मसीह दे विच जे तुसीं अज भी चूना ला रहे जे तुसीं अज भी जुआ खेड रहे जे तुसीं अज भी चर्च जाके वर्शिप भी कर रहे जे तुसीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर जे। इहदा मतलब कि असी लूण साडा जिहड़ा बेस वादा साडा करैक्टर नहीं अच्छा क्योंकि तुहाडे वल देख के बहुत सारे लोग जिहड़े ठोकर खाणगे। तो बाइबल दे विच लिखिआ हाय उस मनुख ते जिधर ही ठोकर लगती है। और तुहानूं जाण तुहानूं पता लग चुका वा कि जो अज दा मैसेज आ ये परमेश्वर प्रभु यीशु ने सानूं लूण दे बारे की दस्या कि साडे काम और बपटाइज तो पहलां वेखो जो भी गलतियां कीतियां उहदियां माफ़ी है। पर जे दोबारा प्रभु दा पोज लै के प्रभु दा बदन लै के प्रभु दे लहू लै के तो फिर ही गलतियां करते हैं तो समझो साडा करैक्टर जे बेकार आ तो साडी गवाही कदी नहीं बनेगी। असीं दर दर भटकांगे कदी बाबिया को जावांगे कदी कितने जावांगे कदी जगावां दरगाहां ते जावांगे। तुसीं खुद जानदे कि खुदा करैक्टर तो बिना काम नहीं करता क्योंकि मेरे जीजो तुसीं जिहड़ी मर्जी मिनिस्ट्री नूं चल जाओ जब तक तुहाडा करैक्टर सही नहीं है तुहाडे चाल चलन चंगे नहीं आ तुसीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नूं नहीं छड्डिया तुसीं मोबाइल दे विच गंदियां मूवियां नहीं बंद कीतियां तुसीं गंदा वेखना बंद नहीं कीता तो समझ लो गवाही कदी नहीं बनेगी। ये सच्चाई है क्योंकि प्रभु का वचन खरा वा मेरे भैन भराओ ये मजाक नहीं है। अज हर बंदा मान लो चर्च जाता तो वर्शिप ड्यूटी करते जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते जो तुम करैक्टर गंदे में जे तो कभी गवाही नहीं बनेगी। हमेशा बीमार रहोगे बैड पर रहोगे प्रॉब्लमों रहोगे घर संकट होने बीमारियां होनगियां कोई ब्लैसिंग तेरे घर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि करैक्टर से निर्भर करता। खुदा हर बंद का करैक्टर चैक करके उन्होंने ब्लैस करता। मेरे जीजो कई बार आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं कि अब्राहम ने प्रभु ने की आख्या कि मेरी उपस्थिति बनया रह मतलब मेरे वचन च बनया रह तो वचन नूं पढ़दा जा तो गलतियां सुधारदा जा तो सिद्ध हुंदा जा। इहदा मतलब कि प्रभु का वचन ही सानूं सिद्ध करदा जिन्हों आप पढ़ना बंद कर दिता जिन्हों आप खोलना बंद करता तो सिर्फ आप संसार दी गल्लां ही वेखी जा रहे हैं यूट्यूब नूं वेखी जा रहे हैं। यूट्यूब वेखो मेरे जीजो पर उहदे लई कोई अलग समा जो प्रेयर का समा प्रेयर जो फास्टिंग का समा फास्टिंग जो चर्च का समा चर्च क्योंकि हर चीज़ का रोल सानूं करना पैना फिर खुदा करेगा। आओ आप जल्दी जल्दी वचन पढ़ा क्योंकि समा घट आ। आओ देखो मैं तुहाडे लई पढ़न जा रहा बाइबल च लिखा तुसी धरती दे लूण हो पर जे लूण बेसवादा हो जावे तो किस बिद सलूणा कीता जाएगा वो फिर किसी काम का नहीं पर यह कि वह बाहर सुटिया अते मनुखां दे पैरां हेठ मिदया जाएगा। हाली लुई आ देखो हुण बाइबल च की लिखा परमेश्वर ने आखा तुसी जगत दे लूण जे नमक नमक का मतलब अज तुम मान लो तुम मटर पनीर की सब्जी बनाते चाहे चिकन बनाते चाहे कुछ भी बनाते तुम उस नमक ना पाओ तो सब्जी ता मतलब ता खाने मन नहीं करेगा क्योंकि नमक हर चीज़ का टेस्ट चुक देता वा। मतलब नमक ताे काम नमक थोड़ा करैक्टर जो तुम गाला कड़ते जे तुम कभी किसी रोक नहीं सकते भाई तू गाला क्यों कड़ता तुम पैग लाते जे तुम कभी नहीं कह सकते भाई तू पैग क्यों लाना तुम खुद गंदियां फिल्मां मोबाइल में वेंदे जे तुसीं कदी नहीं कहिंदे यार ये तू भी विचार क्यों करदा क्योंकि तुसीं खुद कर रहे जे। इस करके लिखा ना बाइबल च लिखा कि अन्ना अन्ने दा आगू नहीं होएगा जे दोवें अन्ने होणगे तो बाइबल च लिखा टोए च डिग के होणगे मर जाणगे। इस करके मेरे जीजू सब तो पहले तुहाडियां स्पिरिचुअल आइज ओपन होएगी बाइबल के द्वारा। वेखो बाइबल जदों पढ़ते तुहानूं अपने आप पता लगेगा कि मैं कित्थे गलतियां मैं किहड़ियां गलतियां कर रहा किहड़े किहड़े कम्मां नूं प्रभु अलाउ करदा किहड़ियां किहड़ियां नूं नहीं करदा ये तुहानूं किदां पता लगेगा बाइबल पढ़ के। बाइबल नूं पढ़ना नहीं है बाइबल नूं समझना तो फिर उहदे उपर चलना फिर तुहाडी जिंदगी च टेस्टिमनी कहण दी लोड़ नहीं कि प्रभु घर ऑलरेडी होएगी क्योंकि तुसीं खुद सियाणे जी जे तुसीं प्रभु की सभैकता दे विच जे जे तुसीं पवित्रताई दे विच जे तुसीं किसे जनानी वल नहीं देखदे तुसीं फास्टिंग करदे तुसीं बाइबल पढ़दे तुसीं प्रभु का हर काम रीझना करदे तो की गल परमेश्वर खुश नहीं तुहाडे ते खुश है। खुदा तुहानूं आई एम सुपर ब्लैस करना चाहुंदा। और अज का जो करैक्टर नमक असी कवैर दे विच आई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नाल नाल चल रहा आप सोचते पास्टर नूं पता नहीं है। सुनो पास्टर को ना डरो प्रभु दे कोलों डरो
क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਚਰਿੱਤਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢੂੰਡਦਾ, ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢੂੰਡਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਆਰਾਧਿਕ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦਾ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਆਰਾਧਿਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-4 ਘੰਟੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਪ੍ਰੇਤੋ ਕੇ ਕਾਮ ਜਦ 6 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਜਨਾਨੀ ਯਹੂਦੀ ਪਤਰਸ 'ਤੇ ਕੁੜਕੁੜਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਬੁੜ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਚਨ ਦੇਣਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ 7 ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਡੀਕਨ ਚੁਣ ਲਓ, ਡੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਚੁਣ ਲਓ, ਕੈਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਡੀਕਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ। ਇੱਕ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਗਿਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਦਾਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਔਰ ਦਾਸ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਵਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਨਮਕ ਜੇ ਨਮਕ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਟੈਂਟ ਲਗਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਭਾਬੀ ਦਿਓਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ 4:11 ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਜੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਪਟਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ, ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਚੰਗਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਗਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਮਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਮਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਜੀ 12-2 ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਆਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ, ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵ ਕਰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਵਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਕਰੋਗੇ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਢੀਂਗੜਾ ਇੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਚਰਚ ਦੀ ਗਰੋਥ ਤਾਂ ਹੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਿਕ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਲੂਣ ਜੇ, ਅਤੇ ਲੂਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਬਚ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਹੀ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਿਆ, ਤੂੰ ਬਚ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਬਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੇਖੋ, ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ? ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਦਿਓ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਦੌੜਨਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸਾਰ 28 ਦੀ ਫਸਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਝ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11:6 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੇਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਲਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫਲ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਨੇਚਾ ਬਾਜੋ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਅਨਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਊਵਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਜੇ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਸੋਗੇ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਲੂਣ ਜੇ। ਜਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਨੰਬਰ 1, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਮਕ ਜੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਨਮਕ ਜੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਲਈ ਨਮਕ ਜੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਜੇ ਨਮਕ ਜੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬੋਏਫ੍ਰੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਣਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ
ही प्रॉब्लम करेगा। ताड़ी गवाही जद रुकेगी करैक्टर तो रुकेगी मेरे जीजू, क्योंकि यूसुफ के बारे आप कई बार देखते हैं कि यूसुफ नू जद पोटीफार दे घर रहिंदा यूसुफ नू मौके मिलते ही यूसुफ भी सब कुछ कर सकता ही, पर उन्हें यह पता ही कि जे मैं अपना चरित्र गवाता करैक्टर गवाता तो कभी भी मैं मिश्र का राजपाल नहीं बन सकता, कभी भी परमेश्वर उन्होंने वो सुपने वो दर्शन नहीं दस सकता। तो जे आप दैनीयल के बारे वेखिए कि दैनीयल नू जद राजे ने कहा, राजे ने बोलिया कि 3 साल जद विद्वानी लैके यहूदा दे विचों की बोलिया लिखा, राजे ने बोलिया वो खुसरिया नू मेरे खाने विचों दो मेरी शराब विच इन्हां नू पीन नू दो। तो बाइबल दे विच लिखा दैनीयल ने साफ इनकार करता कि मैं राजे दे शुद्ध भोजन और इस चीज़ नू नहीं खावांगा। मेरे जीजू इनकार करना सीखो, तुसी कल्ले चर्च नहीं होना, तुहानू यह पता होना चाहिए अज लोग भजदे इस चर्च च मसा नहीं है, क्यों नहीं मसा है, जिहड़ा बंदा साडे चर्च च उन्हां ने ब्लैस होया जो धरती दे जिहड़े मर्जी चर्च विच चले। मैं चैलेंज करदा खुदा दा दास होण दे नाते, क्योंकि जिते प्रभु दा वचन है उन्हूं कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल ते आपां चलना नहीं है, गल आपां मननी नहीं है, बुरे काम आपां छड्डने नहीं है, माड़ियां महफलां चों निकलना नहीं है, काम आपां बाइबल दे अकॉर्डिंग नहीं करने, बाद च आपां कड़ा वाटते होया क्यों नहीं हुंदा। जिहड़ा कि कटिंग वाले नूं ब्लैस कर सकता, मैनू कटिंग तो छड़ा के दास बना सकता, की गल तुहानूं नहीं ब्लैस कर सकता। दैनीयल नूं जे देखते हैं कितों चुकया खुदा ने, जे दाऊद नूं वेखते हैं कितों भेड़ बकरियां जो चुकया, की गल गिदौन नूं कितों चुकया सिट्टे कुटदे नूं, शौल नूं कितों चुकया जद पहला किंग बनया कितों चुकया, की कहिंदा मैं सब तो नीवें गुत्र, मेरा गुत्र सब तो नीवा। मेरे जी जो खुदा हमेशा तुच्छ लोगों नूं प्यार करता है, तुहानूं पता होना चाहिए, पर तुहानूं बाइबल की समझ नहीं, इस करके प्रॉब्लम है। अपने घर लई सीरीयस हो जाओ, अपने बच्चों नूं भवन च लै के आ करो, और जिन्हें भी ऑनलाइन सुन रहे प्रभु करेंगे आज़ाद हो जाओ, चंगे हो जाओ, प्रभु के वचन समझ के ताड़ी प्रार्थना के लेवल बढ़ जाने यीशु के नाम च, हर वो चीज़ रुकी होवे यीशु के सामर्थी नाम दे, मैं कहा हर वो अंधकार दियाँ शक्तियाँ जिहड़ियाँ वचन च रहिंदियाँ फायर दे नाल अग नाल जल जाण। एक एक वचन प्रभु का ताया होया मेरे जीजो जे विश्वास करते ताड़ी जिंदगी पूरा हो रहा यीशु के नाम च, हर वो डिले की आत्मा हर वो डराउन की आत्मा होली गोस्ट फायर दे नाल जल जाए यीशु के नाम दे विच, आमीन। तो अगली साइड ते मेरे ब्रदर सिस्टर मैं पढ़न जा रहा, फिर तो अगे की लिखा, लिखा तुसी जगत दे चानन हो, जिहड़ा नगर पहाड़ी उत्ते वसदा है वह गुजा नहीं रह सकता, अते दीवा बाल के टोपे हेठ नहीं सग दीवट उत्ते रखीदा ता जो सभना नू जिहड़े घर विच हन चानन दे चानन देंदा है। हालेलुया। हुण देखो हुण चानन की ते लून की है, तुसी जे मैं वां ताडे और मेरे बारे कह रहे परमेश्वर, जो तुम चानण च जे दुई करैक्टर च बच्चे आ गए, तु यार मित्र छड़ते, तो गर्लफ्रेंडा छड़ती, उन्हें यारा शराबा पीनिया छड़ती, यही करैक्टर है मेरे जीजो, क्योंकि तुम चानण मतलब कि तुम वचन च आ गए, तुम उस शैतानी कल्ट प्लैन जे शैतान के नेरे वाले ही जोड़ा तुम थिएटर से लैके जाता है, जोड़ा तुम कस्तीनो च लैके जाता है, जोड़ा तुम गर्लफ्रेंड के बारे बोलता से इनू छड़ दूजी फड़ दूजी छड़ तीजी फड़, ये शैतानी ये नेरा से, ता ही क्या ना कि पुरानी लाइफ में अलविदा बोलना पैना मेरे जीजो, जब पुरानी लाइफ अलविदा नहीं है तो अगली लाइफ कभी भी सैट नहीं होगी। तुसी सोचते जाना यार फलाना बंदा ब्लैसड हो गया, यार वो इन्ना वध गया, वो यार कितने चल गया, क्यों, क्योंकि उन्हें ध्यान दे के अपने खुदा के वचना सुनिया, तो वचन ही बेस्ट है मेरे जीजो। ताड़ी प्रेयर इफेक्टिव जब तक बाइबल नहीं होएगी नहीं होएगी, क्योंकि तुसी नाल नाल प्रेयर करोगे नाल नाल भी विचार करोगे, तुसी प्रेयर करोगे नाल नाल जुआ खेडोगे, तुसी प्रेयर करोगे नाल नाल गर्लफ्रेंड नूं फोन करोगे, तो की प्रेयर ताडी उत्तर आएगा। हुण ये जगह ते लिखा कि तुसी चानण जे, पहले अपने घर वास्ते चानण जे, फिर अपने महल्ले लई चानण जे, पहले अपने लई चानण जे, क्योंकि जो वचन पढ़ते जाओगे तो तुसी ज्योति वांगू चमकोगे। अज तुहानूं पता कि मेरा मित्र सिर्फ प्रभु है, मैं गलत यारां नूं छड्ड चुका, वेखो मैं नफरत की गल नहीं करता, तुसी बुलाउणा उन्हां नूं पर उन्हां वाले काम नहीं करने, तुसी खुद सगों गवाही दो, तो वेख यार आप